इस बार यूपीएससी के नतीजों में मध्य प्रदेश के 38 युवाओं ने चयनित होकर कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश के होनहारों को सम्मानित करने के लिए मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन तुमने तो प्रदेश का दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। इस बार यूपीएससी परीक्षा में मध्य प्रदेश का डंका बजा है। यूपीएससी के नतीजों में प्रदेश के 38 युवाओं ने चयनित होकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। टॉपर्स के सम्मान में भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से यूपीएससी में चयनित होने वाले सभी प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के होनहार बच्चों से जब सीएम शिवराज मिले तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा खिल उठा। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ, सीना गर्व से थोड़ा चौर चौड़ा हो गया, वैसे दुबला पतला हूँ। एक साथ 38 सिलेक्ट हुए यूपीएससी की परीक्षा में, एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। हम कहते थे मध्य प्रदेश में वन संपदा है, जन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है, टैलेंट संपदा भी है। कार्यक्रम की एक और खास बात यह रही कि कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों ने प्रदेश के युवाओं से संवाद किया और यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए गुरु मंत्र भी दिए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैम, जागृति मैम से मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम लोग का न्यूज़पेपर का पेपर बहुत बड़ा, लेंथी होता है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे जाते ही जाते हैं। जागृति जी, करंट अफेयर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, और न्यूज़पेपर को पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए हर टॉपिक को। अगर आपके पास थोड़ा कम समय है तो पहला पेज पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मेजर नेशनल न्यूज़, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसके क्या लिंक्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर इंटरनेशनल रिलेशन तो इंडिया से क्या, उसमें नोट मेकिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में रखिए। गौरतलब है कि सफलता के मंत्र कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। इससे यूपीएससी में चयनित प्रतिभागियों को जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को भी कई चीजें कार्यक्रम के जरिए सीखने को मिली। टीम न्यूज़ स्टेट।